हाय फ्रेंड, तो हम लोग आज मिलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 16 से। नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। दैट क्वेश्चन इज टेन थीटा इक्वल टू एम बाई एन, देन फाइंड आउट कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ओके, टेन थीटा है हमारा, टेन थीटा यानी कि पी बट्टा बी बराबर एम बट्टा एन। दैट मीन्स डायरेक्टली अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो हम लोग आगे बोलेंगे पी इंटू एम इक्वल टू बी इंटू एम। तो पी वाई एम इक्वल टू एन वाई, यहाँ पे हम लोग बोल देंगे, यानी बी वाई एन बराबर हम लोग के यहाँ पे मानते हैं, राइट। आपकी इच्छा अगर यहाँ पे आप मानना चाहते हैं तो देन पी वाई एम इक्वल टू हम लोग यहाँ पे के बोल देंगे एंड बी वाई एन इक्वल टू भी के बोल देंगे। तो पी बराबर एम के होगा एंड बी बराबर एन के होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट ओवर, दैट मीन्स एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर के स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ पे जो आएगा एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट ओवर इनटू के बाहर चला आएगा। एक सेकंड, देखते हैं पूरा वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ ओके, क्लियर। नेक्स्ट तो हम लोग देखेंगे इसमें कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और यहाँ पे जो बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू है एन के, लिखेंगे एन के बटा कॉस थीटा, यानी एच का जो वैल्यू है हमारा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट ओवर इंटू के जो आ रहा था इधर बगल में, के से के कैंसिल बटा एन बटा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट ओवर। इसी तरीके से हमारा था साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच, एंड पी का जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे आप देखिएगा एम के है, लिखेंगे एम के बट्टा एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट ओवर इंटू के से के कैंसिल होगा, और यहाँ पे एम बट्टा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर था, सॉरी, यहाँ पे एन स्क्वायर का रूट ओवर, ये हमारा आंसर आ रहा है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है हम लोग का, दैट क्वेश्चन इज साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री कॉस थीटा, देन फाइंड आउट करना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा को फाइंड आउट करना, निकालना है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में ताकत नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूशन कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर रूट थ्री कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर रूट थ्री। ओके, देन इसको हम बोलेंगे टेन थीटा बराबर रूट थ्री बटा वन, एंड टेन थीटा को बोलेंगे पी बटा बी बराबर रूट थ्री बटा वन। जनरली अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे इसके सामने वाला ने जो पी होगा वो डायरेक्टली हम रख सकते हैं रूट थ्री, एंड बी बराबर जो होगा हमारा वन होगा। तो एच का जो वैल्यू होगा वो होगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट ओवर, पी का जो वैल्यू है वो रूट थ्री है, यहाँ पे देखिएगा रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर है। हियर यू विल गेट थ्री प्लस वन एंड यू विल गेट फोर का रूट ओवर एंड आल्सो है टू। जब पानी हमें एक्स का जो वैल्यू टू मिल गया है ना, कर्ण कर्ण नहीं कर्ण, ठीक है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, और पी
पी का जो वैल्यू होगा वो रूट थ्री है ना। के इस बार मैंने हटा दिया, बार बार के को कितना लेके चलेंगे आपको हम एक बार दिखा ही चुके हैं। रूट थ्री बाई टू आंसर, इसका वैल्यू यहाँ से टू आया था। और कॉस थीटा जो था, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच डे, बी का जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे वन है एंड यहाँ पे टू। ओके आज के लिए शॉर्ट मारिए, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग आगे की तरफ। ओके क्वेश्चन नंबर 18, ज्यादा कुछ नहीं है, वन बाय वन क्वेश्चन तो प्रश्न से चल रहे हैं। आप वीडियो को वॉच करके देखते चलिएगा जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, एक बार फिर से आपको है ना आप स्पीड को नॉर्मल कर लीजिए, या फिर आपको ज्यादा समझ में आने लगी है तो स्पीड को हाई कर लीजिए, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का फर्स्ट, दैट क्वेश्चन इज यदि लिखा हुआ था cot theta इक्वल टू 21/20, देन फाइंड आउट करना है cos theta एंड sin theta। क्वेश्चन इतना बार आया ना कि सर दर्द करने लग जाएगा आप लोगों का। देखिएगा cos theta sin theta, cos theta sin theta निकालना है सिर्फ। cot theta को हम लोग बोल सकते हैं b बटा t बराबर 21/20, तो यहां पे हम लोग b बोल देंगे 21 एंड t बोल देंगे 20। एक सेकंड, हाँ cot theta ही है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे h का जो वैल्यू होगा वो होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एंड तो आगे देखिए p का जो वैल्यू हमारा है 20 का स्क्वायर एंड b का जो वैल्यू है 21 का स्क्वायर, एंड कितना आएगा यहाँ पे 400 प्लस 441 एंड कितना आएगा 841। और 841 का रूट ओवर कितना आएगा मेरे ख्याल से 29। ओके 29, तो एंड इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं cos थीटा। cos थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा b बटा h, एंड जो b का वैल्यू है 21 है एंड जो h का वैल्यू है 29 आया है। एंड sin थीटा यहाँ पे देखेंगे, sin थीटा बराबर p बटा h और जो p का वैल्यू है 20 एंड h का वैल्यू है 29। ये हम लोग का हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 18 का सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, 18 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। ओके तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट था ये वाला, हम देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा सेकेंड, देखेंगे हम लोग। एटीन का क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग का है, वो क्वेश्चन है यदि कॉट ए बराबर सॉरी यदि कॉट जो था हमारा यानी 15 कॉट ए, 18 का जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 15 कॉट ए बराबर 8 लिखा है इन्होंने, देन फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेक ए को फाइंड आउट करना। चलिए ध्यान समझिएगा, कॉट ए लिखा हुआ है, सेक अभी जो मैंने लिखा था यानी कॉट ए को सिर्फ लिखेंगे, इधर 15 गुना में है इधर आएगा तो भागा में आएगा, राइट। कॉट ए को हम लोग बोलेंगे बी बटा ई बराबर 8/15, यहाँ से जो बी का वैल्यू वो आएगा 8 और पी का जो वैल्यू आएगा वो 15 आएंगे, और वो जो एच का वैल्यू आएगा वो आएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट होगा। पी का जो वैल्यू है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, पी का यानी 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64, ऐड कीजिएगा 982, दैट मींस 17। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा। साइन थीटा जो है वो होंगे पी बटा एच और पी का जो वैल्यू हमारा है वो 15 एंड एच का वैल्यू इधर 17, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट है सेक ए, सेक ए बराबर होगा एच बटा b, क्योंकि cos होता है b बटा h, sec होता है उसका रिवर्स होता है उल्टा, h का वैल्यू यहां पे 17 और b का जो वैल्यू यहां पे है वो 8, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, फास्ट करेंगे हम लोग है ना। क्वेश्चन नंबर 19, वीडियो को हम कुछ एडिट करने वाले नहीं है, जो भी है हम एक ही तरीके से हम करते चले रहे हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोग का, देखिएगा यदि लिखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा,
साइन थीटा बराबर कॉस थीटा गिवन है, और वो लिखा है कि जो थीटा का वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा है एंड वो 90 डिग्री से छोटा है, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में हम लोग के सामने सर्वे दे रखा है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए, देन फाइंड आउट साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकालना है। चलिएगा देखिएगा, जो गिवेन आने के लिए दिया हुआ था, दिया है हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा जो आपस में बराबर है, तो साइन थीटा को हम लोग बोल सकते हैं पी बटा एच एंड कॉस थीटा को बोल सकते हैं बी बटा एच। देयर एज पे एज कंसीव होगा, यानी बी और जो पी होगा वो आपस में दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ओके और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे एच जो होता है, यहाँ पर टेनस जो होता है वो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के क्या होता है, बराबर का रूट ओवर होता है। ऐसा भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से रूट को हटा दीजिए, डायरेक्टली बोलिए किसका स्क्वायर के बराबर होता है। ओके यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एच का स्क्वायर बराबर, और यहाँ जो चीजें हैं ठीक है, इसको हम अगर आप हमारी इच्छा है तो मान लेते हैं के माना, ज्यादा बेहतर होगा ठीक है। के मान लिया मैंने, और एच का स्क्वायर जो होगा के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर ऑल्सो, और एयर यहाँ पे जो आएगा 2k का स्क्वायर, दैट मीन्स जो रिजल्ट आएगा रूट टू इंटू के, k तो बाहर आएगा स्क्वायर से, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे क्या करा रूट डाल दिया। निकालना था साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकालना था, तो साइन थीटा होगा p बटा h, और p का जो अपने k माना था अपने मन से यहाँ लिख देंगे k, और h का जो वैल्यू आया है रूट टू इंटू के आया था, k से k कैंसिल, यानी इसका रिजल्ट आएगा 1/√2। एंड कॉस थीटा अगर हम लोग देखेंगे, कॉस थीटा जो हमारा होगा वो हो जाएगा हम लोग का बी बटा एच, और जो बी का वैल्यू जो हमने माना था बराबर के माना था, और एच का जो वैल्यू आया था रूट टू इंटू के से के कैंसिल होगा और 1/√2 यहाँ पे आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का शायद, हाँ इसमें भी एक ही क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिएगा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, और इसमें समझने वाली बातें है कुछ नहीं, जो भी है धड़ल्ले से बनाते चले जाइए ठीक है। बस एक ही तरीके के सेम क्वेश्चन, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से 47 एंड और हो गए यहाँ पे 56 के आसपास है क्वेश्चन, 56 टोटल क्वेश्चन है। मे बी हम लोग का 23 में जाएगा, एक दिन में हम लोग 3-4 क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, तो शायद 23 में जाएगा, शायद मेरा पार्ट 4 या पार्ट 6 वीडियो होगा हम लोग का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, इन्होंने लिखा है साइन थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देन फाइंड आउट करना है cos थीटा एंड 1/tan थीटा का मान दिया थी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार लाए थे क्योंकि इसमें जो था अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ज्यादा है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। साइन थीटा को हम लोग बोल सकते हैं पी बटा एच बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जनरली हम लोग बोलेंगे पी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एच का जो वैल्यू होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि जो एच का जो वैल्यू होता है वो होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट ओवर के बराबर होता है। ओके या फिर आपकी इच्छा है तो यहाँ पे आप रूट नहीं रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए तो एच का जो वैल्यू है वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर पी का जो वैल्यू है वो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोग देंगे बी का स्क्वायर। ए प्लस का साइन इधर आएगा तो माइनस का साइन होगा, एक्स प्लस आने की होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर। अब अगर गौर कीजिएगा, ये टोटल टर्म को अगर हम लोग ए बोल दें और टोटल टर्म को अगर हम लोग बी बोल दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस रखना है साइन, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगला बार जो हमें रखना है माइनस रखना है, इसका मतलब ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब माइनस रखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा और प्लस वाई स्क्वायर होगा, और इधर बराबर बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे जो कैंसिल होगा
बाई से बाई स्क्वायर कैंसिल होंगे, है ना, बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल होंगे। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर बनेगा हमारे पास 2x स्क्वायर, इनटू का साइन इनटू लगा देंगे यहाँ पे, बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर, टू बाई स्क्वायर, और बराबर इधर बच रहा था बी स्क्वायर, ओके, दो दूनी का चार, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, और इधर स्क्वायर इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, रूट हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का रूट ओवर बराबर बी, जो बी का रिजल्ट आया यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं टू एक्स वाई आ गया, ओके। निकालना है कॉस थीटा, समझिएगा ध्यान से, कॉस थीटा को हम लोग बोलेंगे बी बटा एच, और बी का वैल्यू आपका आया है टू एक्स वाई, और एच का जो वैल्यू है हमारे पास पहले से है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन अगला टर्म को फाइंड आउट करना है वन बटा टेन थीटा, वन बटा टेन थीटा है, समझिएगा ध्यान से, वन बटा टेन थीटा को हम लोग बोल सकते हैं कॉट थीटा, और कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है बी बटा टी, एंड बी का जो वैल्यू है टू एक्स वाई, एंड हमारे पास जो बी का वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स आंसर, ओके। ज्यादा कुछ करना नहीं था यहाँ पे, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन हम लोग ये था, अगर चाहते तो हम लोग इसको है ना वन बाई वन तोड़ते, प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स बाई स्क्वायर, इस तरीके से तोड़ने से कोई फायदा था नहीं, क्योंकि हमारे पास जो चीजें आ रहा था ये माइनस बी का होल स्क्वायर का जो था, यानी कि एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला आ रहा था, मैंने इसके ऊपर ब्रेक करा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 21 है, वो लिखा है इन्होंने टेन थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इससे हम लोग मिटाते हैं, आगे देखिएगा, थोड़ा वीडियो लेंथी होगा, आप लोग थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी मैनेज करने वाली है, है ना, अगर जिंदगी के साथ अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो वो फिर जिंदगी आपके साथ कैसे मेहनत करेगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 21 होंगे और हम लोग अगले दिन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा 21 क्वेश्चन जो है हमारा लिखा था tan थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का रूट ओवर बट्टा एन लिखा था इन्होंने, एंड फाइंड आउट करना है साइन थीटा। अब अगर देखिएगा यहाँ पे तो जनरली साइन थीटा कॉस थीटा का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं पी बट्टा बी लिख सकते हैं, पी बट्टा b बराबर m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर का रूट ओवर बटा n, ओके, p को बोल सकते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का रूट ओवर, एंड b को बोल सकते हैं n, यहाँ पे जो भी n है चीजें निकालना हमें h है, h को हम बोलेंगे p का स्क्वायर बटा प्लस b का स्क्वायर का रूट ओवर, p जो हमारा है पहले से वो अंडर रूट में, यानी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का रूट ओवर पहले से था का इसका होल स्क्वायर प्लस b यहाँ पे हमारा है यहाँ पे 3 सॉरी n है तो n का स्क्वायर, और एक पहले से रूट जो हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ रहा है, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, वो हमारा बचेगा यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर का रूट ओवर, हेयर n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल होगा, और यहाँ पे हमारा बच रहा होगा जो एस का वैल्यू होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ ओनली एम, क्योंकि स्क्वायर से एम कैंसिल होगा, ओके। देन फाइंड आउट करना है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होगा पी बटा एच, पी का वैल्यू हमारा है वहां पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का रूट ओवर बटा एच का वैल्यू आया है एम, ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर है हमारा बी बटा एच, जो बी का वैल्यू हमारा है वो है एन और एच का वैल्यू है जो हमारा एम, तो समझने वाली चीजें यहाँ पे थी, जो भी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है इधर करनी है, बाकी इधर तो हमारा एजी वाले करना, सिर्फ और सिर्फ बी और एच आने वाले हैं और इसके अलावा हमारे पास कुछ आने वाले नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।